कोई पूछ नहीं रहा है। दुनिया भर में जागरूकता है इस बारे में, हम में नहीं। हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी कंजम्पशन लेवल्स को रोकना है। सही बात है, उन्होंने जिस दुनिया में कंजम्पशन लेवल्स बढ़ाए हैं और पोल्यूशन बढ़ाया है, उसके हमारे साथ मुकाबला नहीं हो सकता, उनको करना चाहिए। लेकिन उसको बहाना बनाकर अगर हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स कुछ न करें, वो चुप बैठें, तो भारत के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो सेकेंड वर्ल्ड है, वो थर्ड वर्ल्ड की जनता के पीछे छुप कर अपने लुटेरेपन को बचा रहा है। ये आज के हकीकतों में एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन कोई ये कड़वा सच बताएगा नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं करेगा। यही कहेंगे कि फलां भ्रष्ट है या फलां राजनीति में अपने आप को बनाए रखना चाह रहा है। तो भाइयों बहनों, हमारा ज़माना एक ऐसा ज़माना है जिसमें हमें आशा की किरणें कम, निराशा का तमस ज़्यादा दिख रहा है। मेरा मानना है कि यह परिस्थिति बहुत समय नहीं चल सकती, और अगर नहीं चल सकती है तो किस तरह बदलेगी। वो बदलेगी इस तरह कि बहुत सारे राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स एक साथ चलेंगे, और हर एक्सपेरिमेंट में हम मिश्रण पाएंगे, वही मिश्रण जो ए टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकेंस दिखा चुका है। देयर विल बी होप, देयर विल बी डिस्पेयर, देयर विल बी लाइट एंड देयर विल बी डार्कनेस। जब भी कोई आशा की किरण दिखती है तो एकदम घप करके उस पर एक दूषित बादल छा जाता है और उसको ढक देता है। कल तक तो हमें लग रहा था कि कितनी बड़ी, कितनी बढ़िया बात हुई है, आज हाल कुछ अलग रह रहा है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में से, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट से कुछ न कुछ निकलेगा ज़रूर, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, वो किसी लेबोरेटरी में नहीं चलते। राजनीतिक और सामाजिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में चलते हैं, वो हमारे रोज़मर्रा की समस्याओं में खेले जाते हैं। आप सबके मन में और मेरे मन में भी यह प्रश्न है, वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड दैट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज आई थिंक वन ऑफ द थ्री थिंग्स फॉर विच इंडिया इज ट्रूली चेरिश्ड इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट इज आई बिलीव द ताजमहल, द सेकेंड इज द मैन इन हूज मेमोरी वी हैव गैदर्ड हियर टुडे, महात्मा गांधी। थर्ड इज our democracy. The Taj, Gandhi and Indian democracy are the three things for which the world really respects India. तो इन तीनों के बारे में मैं एक दो शब्द कहकर अब समाप्त करता हूँ। The Taj is a symbol not just of India's aesthetics but of India's inner personality, by which I mean its diversity.
It's what is commonly called plural heritage. वो जो सिंबॉलिक ताज है वो आज खतरे में है. उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है. और कुछ बचे न बचे, द मेटाफोरिकल ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट कल्चरल लेगेसी ऑफ इंडिया विच हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड बाय अस एट एनी कॉस्ट. आज का हमारा ज़माना उस विरासत को ख़तरे में पा रहा है और उस विरासत को बचाना हम सब का बहुत बड़ा फ़र्ज बनता है. ताज और गांधी के बीच में कोई समानता है, कोई मेल है? सोचें बिल्कुल नहीं. वो गए थे ज़रूर एक बार देखने, पर उस बिल्डिंग से वो को विशेष आकर्षित नहीं हुए, ऐसा हुए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है. फिर भी बहुत बड़ा संबंध है. सुब्बराव जी ने हमें बहुत सुंदर भजन सुनाया, तो मैं आज इन दोनों के बारे में एक संगीतात्मक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ. हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान गुरुदेव की देन है, पर हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो एक संक्षिप्त रूप में हम गाते हैं, जैसा कि होना चाहिए. बहुत बड़ा राष्ट्रीय गान कौन गा सकता है? पर गांधी जी की आश्रम भजनावली में ही हमें गांधी जी के दिए हुए राष्ट्रीय गान का अनएब्रिज्ड वर्जन मिलता है. उसमें ये पंक्तियाँ हैं, हम सब जानते हैं राष्ट्रीय गान तो सब जानते हैं, और आप चिंता न करें, मैं आपसे गाने को नहीं कहूँगा. अनअब्रिज्ड वर्जन में ये पंक्तियाँ हैं. घोर तिमिर घन निबिड़ निशीधे पीड़ित मूर्छित देशे दुःस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी तुमी माता. These are part of the full Janaganamana, which he did not write as a national anthem. He wrote it as a song. But in that song, of which we sing the triumphalist portions, also occur these lines. Ghor timira ghana nibira nishi. आप इसको एक ध्रुपद के साइन में भी दे सकते हैं. कोई अगर ध्रुपद में गा रहा हो तो कैसे गाएगा? घोर तिमिर घन घोर तिमिर घन घोर 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 तिमिर घन. ये उसमें है. द सीजन ऑफ डार्कनेस. घोर तिमिर घन निबिड़ निशीदे पीड़ित मूर्छित देश दुःस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी माता. तो ताज और गांधी के दियो है इस गुरुदेव के गान में बहुत एक गहरा संबंध है. सारे जहां से अच्छा, हम सब जानते हैं सारे जहां से अच्छा इज अनदर ग्रेट ब्यूटिफुल, द मोस्ट एक्स्टैटिकली ब्यूटिफुल सॉन्ग. यू कैन नॉट फाइंड अनदर सॉन्ग ऑफ दैट कैलिबर ऑफ लिरिकल ब्यूटी. पर उसमें सारे जहां से अच्छा था, राकेश शर्मा ने आकाश से कहा था, जब पूछा गया तब की प्रधानमंत्री ने कि आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, वहाँ से ऑर्बिट से चौथे दिन राकेश शर्मा ने कहा सारे जहाँ से अच्छा, तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन उस सारे जहाँ से अच्छा इकबाल कहता है, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जमा में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहां हमारा. इसको हम याद नहीं रखते, मज़हब नहीं सिखाता याद है. सारे जहां से अच्छा बुलबुल सब, लेकिन दर्दे निहां हमारा. तो ये दर्द, ये तिमिर कौन दूर करेगा? ये गांधी करता गया. दुनिया जानती है
गांधीवादी नहीं जानते हैं, गांधीवादी उस गांधी को चाहते हैं जो कि कन्वीनियंट सा है। पॉलिटिशियंस उस गांधी को चाहते हैं जो कि अति कन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट गांधी को कोई याद नहीं करता। तो इनकन्वीनियंट गांधी का आज पुनर्विष्कार करना चाहिए, जो कि कड़वे सच बताए खुद को भी औरों को भी। अंत में डेमोक्रेसी, हमारी जो पीड़ाएं हैं वो शोषण से हुई हैं, पर आज विडंबना यह है कि उस शोषण से उत्पन्न पीड़ा का भी शोषण हो रहा है। पीड़ा को दूर करने के लिए, पीड़ा की दवाई देने के बजाय उस पीड़ा को और पीड़ित कर उस पीड़ा का शोषण कर खुद का पोषण हो रहा है। यह है हमारा जमाना, दीज आर आवर टाइम्स। लेकिन अगर हम अपने पर विश्वास रखें और अपने पर स्वराज लाएं, खुद पर स्वराज, तो मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में, और बहुत वर्षों में नहीं, फेयरली सून, हम एक अपने अनेक एक्सपेरिमेंट से वो एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जो कि कामयाब हो। लेकिन उसके लिए अपनी भूलें अपनी भूलें कबूल करना, अपने खुद को सुधारना बहुत आवश्यक होगा। गांधी संस्थाओं के लिए एक छोटा सा संदेश। आज 30 जनवरी है, हम यहाँ 30 जनवरी को एकत्रित हुए हैं। हम में से कई हैं जो कि यहाँ से गांधी स्मृति जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ 5:17 को वहाँ रहना चाहेंगे, पर वक्त नहीं है, समय नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए। कहने का मतलब ये है कि गांधी संस्थाओं में भी संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता है, उसका अभाव मैं देखता हूँ। मैंने यहाँ इस समय आने को अपनी मंजूरी दी थी, ठीक से हिसाब नहीं लगाया कि यहाँ से गांधी स्मृति जाते जाते कितना वक्त लगेगा। यहाँ मैं ठीक टाइम पर आया हूँ, वहाँ मैं लेट पहुँचूँगा। लांजा देल वास्तो करके बहुत बड़े एक दार्शनिक, उन्होंने एक ड्रामेटिक पोएटिक लाइसेंस में गांधी के अंतिम क्षणों के बारे में लिखा है, और ये इस संवाद का सही समापन होगा। हम सब जानते हैं कि आभा और मनु ने गांधी जी को राम का नाम लेते हुए सुना अंत के क्षण में। दैट वॉज ए ग्रेट एक्सक्लेमेशन, लेकिन अ फुल कंपोज सेंटेंस, उनका जो एक लास्ट स्पोकन सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस विथ सिंटैक्स ग्रामर मीनिंग वर्ड्स वर्बल कंस्ट्रक्शन, गुजराती में था। लेट तो थे ही, 15 मिनट लेट थे, तो गुजराती में उन्होंने कहा दोनों को, गाभा मनु को, जो मैं हिंदी में कहूँगा, अंग्रेजी में भी, मुझे कहीं भी देर से पहुँचना अच्छा नहीं लगता। गुजराती में उन्होंने कहा होगा मैंने मोड़ू था तुम गमतू नहीं, अंग्रेजी में आई डू नॉट लाइक बींग लेट। दिस वॉज हिज लास्ट स्पोकन सेंटेंस, कीपिंग असाइड द लास्ट सेड टू बी वर्ड राम। तो लांजा देल वास्तो ने उसको पोएटिक लाइसेंस में कहा है, ये नहीं कहा कि दीज आर हिज वर्ड्स, ही हैज ड्रामेटाइज्ड इट। That Gandhi looked at his assassin and said,
ओह यू आर लेट, तो इसको मैं बहुत एक इसमें जो है ओह यू आर लेट टू हिज असैसिन, इसमें मैं एक बहुत बड़ा मर्म देखता हूँ कि जो भी गांधी का अंत कर रहा है जानकर या अनजाने में, ही इज लेट, गांधी इज पंक्चुअल, ही विल बी देयर वेयर ही इज वॉन्टेड, ही विल बी देयर एट हिज राइट टाइम, दोज हु सीक टू फिनिश हिम आर लेट. इंटरनेशनली गांधी विल ऑलवेज बी अवेलेबल, एन इंस्पिरेशन एंड एन एग्जाम्पल एंड अ मैग्नेटिज्म एंड अ सिंबलिज्म. Because he is ahead of his time, he can never be late. And if we remember that, even if I am late at Gandhi Smriti by 20 minutes today, I will be late. He would have reached his goal. He will make his mark. And so will all those who do his work without using his name, in whose heart he glows, whether they light a lamp to his image or they do not. अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं श्री सुश्री राधा भट्ट जी से निवेदन करूंगा. अध्यक्षीय निवेदन.